नमस्कार दोस्तों, मैं कुबेर पाटीदार और मेरे इस ट्यूटोरियल के माध्यम से आप देखेंगे कि अपन पीएल जो होती है सर्विस बुक ऑनलाइन हो रही है उसमें पीएल को कैसे अपन काउंट कर सकते हैं, जो अपनी महत्वपूर्ण भाग है सर्विस बुक में। तो आप यहाँ पर अपना आईडी और पासवर्ड डालने के बाद में अकाउंट लॉगिन करेंगे, जो कि बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक किया आपने, लॉगिन बटन पर क्लिक करते ही आपको ये होम पेज दिखाई देगा। होम पेज पर यहाँ पर ये पीआईसी एंट्री में जाएंगे आप और यहाँ पर लीव सैंक्शन पर अपन को क्लिक करना होगा। लीव सैंक्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने होम पेज खुलेगा, जिसमें यहाँ पर पीएल को अपन आसानी से भरने के लिए अपने सामने जो फॉर्मेट दिया हुआ है इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें लीव सैंक्शन है फर्स्ट जो ऑप्शन है अपना, वो लीव सैंक्शन है। यहाँ पर लीव सैंक्शन दिखाई दे रहा है आपको। और दूसरा जो इसका पार्ट है वो है सालाना एंट्रीज करने के लिए क्रेडिट ब्लॉक्स ऑफ पीएल एचपीएल, यानी कि वार्षिक और अर्धवार्षिक जो अपनी पीएल होती है वो अपन सालाना, जैसे 10 साल की पीएल एंट्री करनी हो एक साथ तो अपन क्रेडिट ब्लॉक्स पीएल एंट्री में अपन को जाना होगा। तो अपन इसको देखते हैं कि जैसे पीएल क्रेडिट पर क्लिक किया तो अपन ने ये जो एंट्रीज होती है वह ऑटोमेटिक है, इसमें पूरी 5 या 10 साल की पीएल एक साथ होती है जो जनरेट अपन इसमें कर सकते हैं। और दूसरी बात जो होती है उसके लिए अपन को यहाँ पर अपने लिए हेल्प में कुछ निर्देश दिए हुए हैं, वो भी अपन इसको पढ़ लेते हैं पहले। यहाँ पर नॉट लीव बैंक ब्लैंक बैलेंस फॉर्म बंद कर दिया गया है और अब केवल लीव सैंक्शन फॉर्म में ही क्रेडिट ब्लॉक्स और पीएल एंट्रीज फॉर्म पर एंट्री करनी है अपन को। मतलब टोटल जो लीव बैलेंस फॉर्म है अपना लीव यहाँ पर नहीं बताएगा, केवल अपन को दिन ही यहाँ पर एंट्रीज बताएगा। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि लीव बैलेंस फॉर्म अभी बंद कर दिया गया है, तो अपन को इसमें 6 मासिक पीएल ही एंट्री करनी होती है। और यहाँ पर क्रेडिट में बता रहा है, जैसे क्रेडिट मीन्स अपनी जमा पीएल और डेबिट यानी घटाना और कैंसिल यानी कि रद्द। कैंसिल यानी कि अपन ने मान लो जैसे पीएल सिलेंडर उठा लिया हो तो अपनी पीएल रद्द हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी उस ईयर की। और डेबिट यानी कि घटाना, जिसमें अपन ने मेडिकल द्वारा लिया हो, मेडिकल लिया हो अपन ने तो अपन पीएल मेडिकल के द्वारा भी अपन यहाँ पर बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि यदि अपन को 18 जनवरी 2010 से 31 दिसंबर 15 में पीएल एंट्री करनी है तो अपन 18 जनवरी 2010 से लेकर 30 जून 10 तक की एंट्री यानी कि 6 मासिक एंट्री जो होती है अपनी लीव सैंक्शन के फार्म से ही अपन कर सकते हैं। और अगर अपन को लंबी लीव जैसे 1 जुलाई 2010 से 31 दिसंबर की 15 की एंट्री करनी है तो क्रेडिट ब्लैक लॉक अपन इसमें यूज़ करेंगे। तो मतलब जो लंबी प्रोसेस जो सालाना एंट्री जैसे 5 साल या 10 साल की एक साथ एंट्री करनी है तो अपन को स्पष्ट बता रहा है इसमें कि क्रेडिट बैकलॉग का अपन प्रयोग करेंगे सिंगल एंट्री का। और जैसे 6 मासिक टुकड़ों टुकड़ों में अपन को पीएल एंट्री करनी होती है, जैसे अपनी ट्रेनिंग्स की पीएल होती है या अपन की कोई कहीं पर गए हों जहां इसकी जैसे ट्रांसफ़र हो के आए हैं अपन, तो उसकी भी अपन को विभाग द्वारा जो पीएल मिलती है तो उसकी एंट्री हो रहती है, वो 6 मासिक एंट्री अपन को इसमें पीएल सैंक्शन ब्लॉक से ही करनी होती है। तो यहाँ पर अपन लीव सैंक्शन फॉर्म का यूज़ करेंगे, लीव सैंक्शन फॉर्म का उपयोग करेंगे अपन। यहाँ पर क्रेडिट यानी कि जमा अपनी पीएल जो होती है वो जमा अपन ले रहे हैं, यहाँ पर पीएल सैंक्शन का ऑप्शन क्लिक करेंगे। यहाँ पर आदेश, जैसे मेरे पास में आदेश है, यहाँ पर 700 क्रमांक है उसका आदेश क्रमांक। और यहाँ पर डेट है, इसमें डेट जो है वो 8/12/2011। और यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ इसमें पीएल एंट्रीज जो मेरी सैंक्शन है 10/5/2003 से लेकर 15/5/2003 तक यहाँ पर पीएल, यहाँ पर डेज पर क्लिक ऑटोमेटिक ये काउंट कर लेगा। यहाँ पर ये 6 डेज आ गए। यहाँ पर अपन रिमार्क में लिख देंगे कि अपन को जो पीएल, ये जो पीएल सैंक्शन हो रही है वो किस पर्पज से है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे ग्रीष्मकालीन पीएल ट्रेनिंग्स, अपन की ग्रीष्मकालीन जो ट्रेनिंग अपन ने ली है उसके
उसकी एवज में अपन को पीएल मिलती है। तो यहाँ पर ये सिक्स डेज है, सिक्स डेज की पीएल जो हो वो यहाँ पर अपन यहाँ पर सिक्स डेज अभी शो ये करेगा। अपन सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये अपने सिक्स डेज सेव्ड सक्सेसफुली और यहाँ पर ये सिक्स डेज एंट्री अपन को बता रहा है कि पीएल यानी कि ऑर्डर नंबर और डेट है इसकी 8/12/2011 फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक यानी कि 15/5/3 और टोटल डेज 6 यानी कि क्रेडिट अपने जमा और किस रिमार्क्स किस एवज में पीएल मिल रही है अपन को ये ग्रीष्मकालीन पीएल है। इसी तरह से अपन दूसरी एंट्री भी आसानी से करेंगे। यहाँ पर दूसरी एंट्री अपन इसी तरह से करेंगे, अपन यहाँ पर क्रेडिट को चॉइस करेंगे। क्रेडिट चॉइस करने के बाद में अपनी जो पीएल है और यहाँ पर पीएल भी जो बताई हुई है जैसे हाफ ईयरली है या वार्षिक है मतलब कम्यूटेटेड लीव है या मैटरनिटी लीव है जो भी है आपकी, तो यहाँ पर ये पीएल यहाँ पर अपन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऑर्डर संख्या वही है। इसमें 17 पीएल्स हैं मेरी काउंटिंग है और इसमें जो डेज हैं वही अपने सामने यहाँ पर शो करेगा और डेज शो करने के बाद में यहाँ पर बता रहा है नोट में बता रहा है ऊपर कि अगर मान लो अपने सभी एंट्रीज करने के बाद में उपरांत अपना बैलेंस सही नहीं दिख रहा तो सर्विस बुक जनरेट बटन पर अपन जैसे ही क्लिक करेंगे उसमें अपन को इसका कैलकुलेशन जो है वो बता देगा कि अपनी कितनी पीएल्स बन रही हैं। इसलिए अपन को यहाँ पर डेज ही शो बताएगा। उसमें स्पष्ट अपन ने देखा है इसमें कि इसमें जो ब्लॉक्स पीएल काउंटिंग का है यहाँ पर बंद कर दिया गया है, इसलिए अपन को यहाँ पर डेज ही शो करेगा। तो ऑर्डर नंबर वही है यहाँ पर 700 और डेट है वो यहाँ पर वही 11 और यहाँ पर अपन तारीख शो कर देंगे कि कहाँ से कहाँ तक है, तो 10/6/05 मतलब 10/6/2005 से लेकर 18/6/2005 अब यहाँ पर अपन डेज ऑटोमेटिक काउंटिंग हो गई। ये 9 दिन हुए, 9 दिन होने के बाद में अपन वही यहाँ पर अपन लीव सेंक्शन का जो है अपने पास में उसको अपन यहाँ पर लिख देंगे कि किस पर्पस से है। यहाँ पर अपन ने लिख दिया कि ग्रीष्मकालीन पर्पस से है ये अपनी पीएल और यहाँ पर अपन सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अपन को सेव्ड सक्सेसफुली और यहाँ पर ये 15 डेज अपने काउंट होंगे। तो इसी तरह से अपन आसानी से अपनी जो पीएल होती है सालाना जो पीएल होती है उसको अपन आसानी से डेबिट यानी कि घटा भी सकते हैं। जैसे अपन ने पीएल मान लो ले ली तो अपन मेडिकल लिया हो तो वो उसको अपन घटा सकते हैं, रद्द पीएल यानी कि कैंसिल कर सकते हैं अपन कि अपने सिलेंडर उठा लिया है तो वो पीएल अपनी कैंसिल हो जाएगी और क्रेडिट यानी कि अपनी जो पीएल जमा है वो जमा भी अपन इस लीव सेंक्शन फॉर्म से आसानी से कर सकते हैं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें मेरे नए वीडियो के हेतु, और यहाँ पर ये सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे नए वीडियो जो से ही लॉन्च होगा तो आपको मोबाइल नोटिफिकेशन में, अगर आप मोबाइल में चलाते हैं तो मोबाइल नोटिफिकेशन में आपको आसानी से ये वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन में ऊपर दिखाई देगा। ओके।